दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूँ Redmi Note सीरीज के दो ऐसी कमियों के बारे में जो कि Redmi अपने हर एक Note सीरीज के स्मार्टफोन के साथ में करता है इंडिया में। मैं इस बार उम्मीद करूंगा कि Redmi Note 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके साथ में इस टाइप की जो गलती है वो Redmi ना करे। अब क्या चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूं Redmi Note सीरीज के बारे में तो हमेशा ये हमें देखने को मिला ही है कि Redmi Note सीरीज के साथ में दो चीजें परमानेंटली होती हैं। सबसे पहली चीज मान लेता हूं कि Redmi Note सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च इवेंट में लॉन्च हो गए, स्मार्टफोन काफी अच्छे फीचर्स के साथ में, काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ में, और उसके बाद में होता क्या है कि स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद में फर्स्ट फ्लैश सेल आएगी, सेकेंड सेल आएगी, उसके बाद में होगा क्या कि स्मार्टफोन की जो प्राइजेस हैं वो धीरे 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 500-500 रुपए 1000 रुपए करके इंक्रीज होने लगती हैं। और स्मार्टफोन लॉन्च होता किस प्राइस पॉइंट पर है और 2-3 महीने बाद मतलब स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर पहुंच जाता है, इसका एग्जांपल है डायरेक्टली Redmi Note 10। Redmi Note 10 जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था और आज आप जाकर के उसकी प्राइस देख सकते हैं कि प्राइस क्या है। और ये चीजें ज्यादातर Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन साथ में होती हैं। मतलब यहां पर कंपनी करती क्या है कि हाइप को क्रिएट करने के लिए स्मार्टफोन को काफी किलर प्राइस पॉइंट पर लॉन्च भी कर देते हैं और उसके बाद में स्मार्टफोन को प्राइस बढ़ा करके ओवर प्राइस भी कर देते हैं, तो हाइप भी क्रिएट हो गई, हमने प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ा दी, तो दोनों इनका काम हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा Redmi से कि Redmi Note 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन है फिलहाल इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, Note 11 S और Note 11 और जो Note 11 Pro Max स्मार्टफोन आने वाले हैं उनके साथ में प्लीज ये चीजें ना की जाए। और अगर हम बात करें किसी और भी कंट्रीज की तो ज्यादातर कंट्रीज में इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, इंडिया में ही ये जो चीज है प्राइस इंक्रीज वाली वो हमें देखने को मिलती है ज्यादातर Redmi Note सीरीज में। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट स्टॉक में अवेलेबल ना होना और यहां पर फेक फ्लैश सेल कराना। अगर हम बात करें Redmi Note 10 सीरीज की तो Redmi Note 10 सीरीज में भी ऐसा हुआ है कि जो सस्ता वाला वेरिएंट है उसको इन लोगों ने फर्स्ट फ्लैश सेल में लाया है, इनफैक्ट दूसरे तीसरे सेल में भी ये जो वेरिएंट है स्टार्टिंग वाला वेरिएंट वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह हुए, उसके बाद में कंपनी ने इस वेरिएंट को जो बेस वेरिएंट था 12,000 रुपये वाला उसको सेल में लाया और एक दो बार ला करके उन्होंने डायरेक्टली इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है अपने सभी वेरिएंट के साथ में फर्स्ट फ्लैश सेल से ही अवेलेबल हो ताकि जिसके पास में जो बजट रहे वो अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से स्मार्टफोन के वेरिएंट्स को परचेज कर पाए, चाहे वो 4GB हो, चाहे 6GB हो, चाहे 8GB हो। तो ये जो चीजें हैं वो मैं पर्सनली उम्मीद करूंगा कि Redmi Note 11 सीरीज के साथ में ना हो। और Amazon वगैरह पे हमें फेक फ्लैश सेल भी देखने को मिलती है जहां पर स्मार्टफोन जो है वो मतलब सेल स्टार्ट हुई नहीं कि खत्म, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इनफैक्ट अगर सेल आ रही है तो जितना स्टॉक रहे कम से कम उतना सभी लोगों को स्मार्टफोन मिले, कोई भी हाइप वगैरह क्रिएट करने की कोशिश ना की जाए कंपनी की तरफ से। बाकी सारी कंट्रीज में देखें तो इस टाइप की चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इस टाइप की चीजें हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि Redmi Note सीरीज के जो स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुए हैं या फिर Redmi Note 11 Pro सीरीज के जो स्मार्टफोन अभी आने वाले हैं Pro और Pro Max, उनके साथ में ये चीजें हमें देखने को ना मिले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों के बारे में, आपको क्या ये सभी चीजें लगती हैं कि नहीं कंपनी को इसको जरूर से अवॉइड करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।